सो गाइस जब आप लोग अपने किसी भी दोस्त के पास पैसा वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो पैसा गाइस नहीं जा रहा है, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिसके पास पैसा भेज रहा है उनका नाम शो हो रहा है, उसके पास तो यहाँ पर इस तरीके से कैन नॉट रिसीव मनी लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस कैसे आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे इस वीडियो को दोस्तों आपको देखने के बाद में आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा और आपको दोस्तों ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा और इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से गूगल पे को पूरा कट करके बैक चलाना है। जिसके पास पैसा वगैरह ट्रांसफर करना है आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे को अपने कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे या फिर जीपे। जैसे कि आप लोग सर्च करेंगे तो गूगल पे एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अगर अपडेट मांगेगा तो आप लोग अपडेट कर दीजिएगा, अगर अपडेट नहीं मांगेगा तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल पे कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप यहाँ पर दोस्तों चाहे क्यूआर कोड से या फिर यहाँ पर पे कॉन्टैक्ट नंबर से या फिर किसी भी के थ्रू भेज रहे हैं पैसा, जैसे कि यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट से ही भेज रहा हूँ पैसा। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आ रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे हम और जितना मुझे पैसा वगैरह ट्रांसफर करना है मैं अमाउंट डालूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे मैं मतलब कुछ भी अमाउंट डालता हूँ जितना मुझे भेजना है इस तरीके से, जैसे मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों देखते हैं फिर से मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम दोस्तों इस फोन में नहीं है जिसमें कि आप लोग इससे पैसा भेज रहे हैं, ये इस फोन में नहीं प्रॉब्लम। अगर आपको सेम उसी तरह का प्रॉब्लम आए जैसे मेरे में आ रहा है, थोड़ा सा अगर डिफरेंट है तभी कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग यहाँ से पैसा भेज रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम आपके फोन में नहीं है, जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं उनके फोन में है। तो उनके फोन में अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप लोग ठीक कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आप नज़दीक के हैं या फिर दोस्तों आप दूर के हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप उनको बताना चाहते हैं कि कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो उसके लिए दोस्तों वो क्या करते हैं, वो बंदा क्या करता है, जैसे कि गूगल पे मेरा है और यहाँ पर मैं अपना गूगल पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैं अपने गूगल पे पर जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपना गूगल पे इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ। वो भी बंदा इस तरीके से पहले कभी डिलीट कर दिया होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों गूगल पे को उसके फोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड होगा भी तब भी गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, ओपन करना है। लेकिन दोस्तों मेरे में नहीं है, मैंने डिलीट करके आपको बताया। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको भी इस तरीके से उनके फोन में फोन पे गूगल पे एप्लीकेशन जो है इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। गाइस मैं कहीं फोन पे बोल दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप लोग गूगल पे समझिएगा। यहाँ पर गाइस देखते हैं गूगल पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो गाइस आपको भी उनके फोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोड है तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आपका गूगल पे इस तरीके से डाउनलोड होगा तो आपको भी गाइस यहाँ पर क्या करना, कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा उनके फोन में। ये आपके फोन में नहीं करना, आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोस्तों जिसके पास पैसा भेज रहे हैं उनका गूगल पे इस तरीके से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर गूगल पे इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी ये दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिसका भी मतलब फोन है। यहाँ पर गाइस मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू करूँगा। देन यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जीमेल आईडी वगैरह। अब यहाँ पर गाइस आप जिस जीमेल आईडी से बनाना चाहते हैं आप अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई योर फोन नंबर होगा। अगर दोस्तों इस तरीके से उनका फोन पे मतलब जो गूगल पे है दोस्तों डिलीट नहीं हुआ होगा उनके फोन में, तो गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल नंबर वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली गूगल पे को अपने ओपन कर देना पड़ेगा। मतलब उनका गूगल पे आपको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी होने के बाद में हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप लोग उनका गूगल पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम कुछ टाइम वेट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है एक्टिवेट बैंक अकाउंट का, तो उनके भी फोन में इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर इस तरह का नहीं आ रहा है तो आप प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पर आपका जो बैंक है यहाँ पर एरर दिखाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो भी बैंक रहेगा यहाँ पर बैंक शो हो जाएगा, उनका जो भी बैंक रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना, बैंक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस तरीके से बैंक एक्टिवेट करेंगे यानी कि परमिशन को अलाउ करेंगे और बैंक इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग अपना बैंक इसमें ऐड किए रहते हैं गूगल पे में और अपना गूगल पे डिलीट कर देते हैं या फिर क्लियर डाटा कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो बैंक है यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए इस तरीके से वेरीफाई करना पड़ता है, तभी दोस्तों आप लोग पैसा रिसीव कर पाएंगे। या फिर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि गूगल पे से अगर आप लोग अपना बैंक डिलीट कर देते हैं तो बैंक आप लोग फिर से जब ऐड कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप किसी से भी पैसा भेजवाएंगे तो उनके बैंक में चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर गाइस देखते हैं मेरा बैंक एक्टिवेट हो गया है। अब अगर वो भी बैंक मतलब एक्टिवेट कर लेता है, जो भी बंदा मतलब जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं इसी तरीके से उनके फ़ोन में एक्टिवेट कर लेना, उसके बाद दोस्तों आपका जो है सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके फ़ोन में करना, ये अपने फ़ोन में नहीं करना। अपने फ़ोन में दोस्तों केवल आप पैसा भेजेंगे और पैसा नहीं जा रहा है तो दोस्तों आपका जो है पैसा उनके बैंक में प्रॉब्लम है, आपके बैंक में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके जब आप लोग एक्टिवेट कर लेंगे या फिर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके, अगर बैंक ऐड नहीं रहेगा तो आप ऐसे बैंक ऐड कर लीजिएगा क्लिक करके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका जो पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ दोस्तों, आप जब पैसा भेजें तो पैसा नहीं जा रहा है तो आपके बैंक में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अगला जो बंदा है वो अपना बैंक ऐड नहीं किया होगा या फिर ऐड किया होगा तो दोस्तों गूगल पे डिलीट कर दिया होगा, तो बैंक एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप लोग एक्टिवेट वगैरह कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं
नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।